रागिनी पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है, आप सब उनसे मिल सकते हैं। मिस्टर जी से मिलने जा रहे हैं ना आप, तो अंदर रही जाओगी। आपको भी मिलना है ना उनसे, आप भी बहुत परेशान हो रहे हो ना, साथ में जाते हैं, वो हम दोनों को साथ में देखेंगे ना तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए कह दिए ना तुम अनुराग के पास नहीं जाओगी, हम नहीं चाहते कि उसका जान पर और कोनो संकट आए, समझे? समधन जी, आप शायद भूल रहे हैं कि रागिनी आपका बेटा का पत्नी है। हम कुछ नहीं बोले, हमको सब कुछ याद है, लेकिन हम ये बात अब भूलना चाहते हैं। काहे काहे भूल जाना चाहती हैं आप? आप अपने बेटा और बहू का रिश्ता? श्रीमती जी, अरे कहाँ तमाशा कर रही हैं आप, ना समय देखती है ना जगह। आप रागिनी बहू को अनुराग से मिलने कहे नहीं दे रही है? देवर जी, जगह और समय ठीक नहीं सब बात के लिए, बाद में सब बात कर लीजिएगा। नहीं देवर जी, हमको हमारा गलती का एहसास हो गया है। गलती? हमको समझे नहीं समधन जी, हमने हमारे अनुराग का जो उसका मर्जी के बिना शादी करवाया ना, ये हमारा गलती है। तो रागिनी को पसंद भी नहीं करता था, वो हमने जबरदस्ती किया और आपका बंदूक का नोक पर झुक गया। अब हम उसका जान ना जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं। तो कहा है कि शादी से ना हमारा अनुराग जो है वो मौत के मुंह में चला गया, हम नहीं चाहते कि और कोई संकट आए उस पर। क्या मतलब है आपका? आज दामाद बाबू के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आप हमारा बेटा जी को दोषी मान रही हैं? ये सब के लिए ना हम अपने आप को ही दोषी मानते हैं, लेकिन अब जो है उस दोष निवारण का समय आ गया है, हम हमारे बेटे का जान ना और खतरे में नहीं डाल सकते हैं। विकराल सिंह जी, ये आपका जो रुतबा और ताकत है ना, आज उससे हमको डर नहीं लग रहा है। कहे कि आज आपके सामने कोनो लालची ठकुराए नहीं, एक बेटे की मां बोल रही है। अनुराग और रागिनी का रिश्ता सना कोनो खुश नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा इन दोनों का रिश्ता जो है वो टूट जाए। दोनों जो है वो अलग हो जाए। समधन जी, शादी ब्याह को आपने गुड्डा गुड्डी का खेल समझ के रखा है का? अब चलिए यहाँ से। ठाकुराइन देख रही है आप? चमड़ा का जुबान है, मतलब जैसे चाहे हिला लेगी का। गुस्सा करने का नहीं है, समधन जी ने अभी अभी अपने बेटे को मौत से लड़ते हुए देखा है। उसकी जगह हमारा पराग या रागिनी होता तो हम भी यही कहते। भगवान के कारण अभी आप शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सासुमई, आप जैसा चाहेंगे ना एकदम वैसा ही होगा। अभी अभी मिस्टर जी से हमें मिलने दीजिए। रागिनी, हमारा नाम लिए मिस्टर जी, आपने सुना सासुमई, आप सबने सुना ना मिस्टर जी, हमारा नाम ले रहे, वो हमें बुला रहे। मिस्टर जी हम आ गए, आप हमारा नाम ले रहे हैं ना, देखिए हम आ गए। और आप ना हमारा बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम देखिए एकदम ही ठीक है। आप हमारा नाम ले लेते ना, आप ठीक तो है ना? अरे रात बेटा बेटा कैसे हो, है ठीक लग रहा है?
आगे नहीं कहा है। आगे नहीं कहा है। देखिए ना, हम आ गए, बात कीजिए ना हमसे। बेटा डॉक्टर, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये सब लोग? आप पहचानने की कोशिश कीजिए। दीज आर योर फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स? डॉक्टर साहब, मैं इन लोगों को नहीं पहचानता, तो ये मेरे फैमिली मेंबर्स कैसे हो सकते? आई डोंट नो देम। डॉक्टर, क्या बोल रहा है? क्या हुआ इसको? क्या ऐसा कहे बोल रहा है? देखिए, हमने तो आपका पहले ही बता दिया था कि गोली इनके दिमाग के नस को छूकर निकली है, शायद इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। What? मिस्टर जी, राम से, राम से, राम बेटा, राम से। डॉक्टर, ये क्या हो रहा है? मुझे ठीक से कुछ याद नहीं, मुझे सिर्फ रागिनी का नाम चिल्लाना याद है और जोर से आवाज आई थी और उसके बाद ब्लैकआउट हो गया था और उसके बाद सब पहचानो उनको। अब तुम्हारी माँ है, देखो ये तुम्हारे बाबूजी है, ये काका है। देखिए, अनुराग अभी बहुत बड़े ट्रॉमा से निकले हैं और आप सभी लोग इनको सवाल जवाब करके परेशान मत कीजिए। प्लीज, आप सब लोग बाहर जाइए, इन्हें अभी आराम की जरूरत है। लेकिन रागिनी कहाँ है? आप प्लीज रेस्ट कीजिए, प्लीज आप भी जाइए। अरे ऐसे कैसे वो अपनी अम्मा को भूल गया है? किसी को भी याद नहीं। हम समझते समझते बैठ बैठ। अरे लेकिन बैठ बैठ, हमारा पास देखिए। हिम्मत रखिए श्रीमती जी, ऐसे हिम्मत हारने से काम थोड़ी चलेगा। अब माँ है उसकी, आपको मजबूत रहना पड़ेगा। संदीप जी, हम आपके साथ हैं। अनुराग बाबू का इलाज में कोनो तरह का अगर मदद चाहिए तो निसंकोच कहिएगा। वैसे हम मुख्य चिकित्सक को सहज दिए, कोनो तरह का परेशानी नहीं होगा। चलते हैं, फिर आएंगे। भीष्म जी, आप परेशान मत होइए, आपके भैया पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। अगर ऐसा है तो हम में से किसी से बात का ही नहीं कर रहे हैं, और वो तो किसी को पहचाने भी नहीं। भीष्म जी, उनको चोट लगी है ना, तो थोड़ा वक्त लगेगा इससे निकलने में। आप परेशान मत होइए। बिटिया, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते थे। वकील साहब, हम सिर्फ एडवोकेट सृष्टि हैं, ना तो किसी का बेटा है और ना ही किसी की बिटिया। बिटिया, हम तुम्हारे पिता हैं, तुम हमारी बेटी हो। हम मानते हैं कि हमसे आप शायद भूल रहे हैं, आपने अपनी बेटी का तर्पण कर दिया है। हमें सब कुछ याद है, हम सच कहते हैं, हमारी आंखों पर पर्दा पड़ गया था, इसलिए हम सही और गलत की पहचान नहीं कर पाए। और हम जानते हैं कि हमसे भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई।
हम ये भी जानते हैं कि हम तुमसे माफी मांगने के लायक नहीं, लेकिन हम सच कहते हैं बिटिया, अगर तुमने हमारी इस गलती के लिए माफ नहीं किया तो हम इसी जिल्लत के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार देंगे और कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं करेंगे। सृष्टि जी अपना हाथ दीजिए। अंकल वकील साहब, मगर जिंदा बेटी का तर्पण करने का रिवाज है तो जरूर कोई ऐसी भी विधि होती होगी जिससे उस रिश्ते को दोबारा जिंदा किया जा सके। इसके अलावा हमें कुछ नहीं कहना। विष्णु जी आप परेशान मत होइए, आपके भैया की तबीयत खराब है ना, तो अब आपकी जिम्मेदारी परिवार की तरफ और बढ़ जाती है। आपको परेशान होने के बजाय सबका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब क्या हुआ है अनुराग? देखिए अगले 24 घंटे तक हम पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और तब तक आईसीयू में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होगी। बेहतर होगा कि आप सब लोग यहाँ से चले जाएं। नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठ के इंतजार करेंगे, हम रुकेंगे अनुराग के लिए, उसको छोड़ के। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हम कह रहे हैं हम यहीं रुकेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हाँ बस अनुराग। श्रीमती जी हम आपसे कह रहे हैं हम ये रुकेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं। सुन, अभी आपको हमारे साथ घर चलना चाहिए। कहे कि घर पे अम्मा है, दिव्या है, अरे ये सब जानने के बाद उनका क्या हाल हो रहा होगा? हम समझते हैं आपका भावना समझते हैं, पर अभी अभी आप हमारे साथ घर चलिए। भाजी इतना परेशान मत होइए, भैया सही कह रहे हैं। अरे अनुराग का हम ख्याल रख लेंगे, चलिए हम आपको नीचे छोड़ के आते हैं, चलिए। अरे आपको मजबूर होना पड़ेगा श्रीमती जी। बस करो बेटा, ये क्या हो गया? सारा कसूर जो है ना वो हमारा ही है। अरे ये का डॉक्टर ने कहा है ना कि खतरे का कोनो बात ना है, तो फिर काहे परेशान हो रहे हो आप लोग? अरे अम्मा जी पता नहीं कौन से पाप का सजा मिल रहा है आपको। बड़की तुम ही आई से धीरज खो दोगी तो बाकी सबका क्या होगा? हाँ दादी, श्रीमती जी अम्मा एकदम सही कह रही है, इस तरह से खुद को कोसने से क्या फायदा, संभालिए खुद को। अनुराग अब खतरा से एकदम बाहर है, हमारे हिसाब से आपको भी कमरा में चल के आराम करना चाहिए। बाकी सब लोग भी अपना अपना कमरा में जाके आराम कीजिए, रात बहुत हो गया है। चलिए अब चलिए हम आते हैं। सासुए आप पानी पी लीजिए। एक बात है ना याद रखना रागिनी,
हमारे बेटा को तुम्हारे सहारे का जरूरत नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द तुम यहाँ चले जाए। यही ना, हम चले जाएंगे। और अगर आपको सच बताए ना सासुमिया, तो हम भी यहाँ से चले जाना चाहते हैं। कि ना आज अस्पताल में आपने देखा ना, मिस्टर जी को जैसे ही होश आया, वो सिर्फ हमारा ही नाम ले रहे थे। तो आपको लगता है कि उन्हें इस हालत में छोड़ के जाना ठीक होगा? सासुमिया, हम ना आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जब जब मिस्टर जी एकदम ही ठीक हो जाएंगे ना, तो हम खुद ही यहां से चले जाएंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अनुराग जी की जान बच गई और विशु बाबू भी सही सलामत उस शेखर के कब्जे से निकल आए। विशु, अपनी वजह से शेखर के कब्जे से नहीं निकला, आपकी बेटी ने बचाया सुरेखा जी, अपनी जान पर खेलकर। आपकी बेटी बहुत ही समझदार और बहुत ही साहसी लड़की है। आप ये बार बार सृष्टि को आपकी बेटी क्यों कह रहे? इतना सब होने के बाद आप अभी भी उससे नाराज है क्या? सुरेखा जी, हम अब उससे नाराज नहीं है, बल्कि खुद पर शर्मिंदा है। उसे अपनी बेटी कहने का हक तो हम न जाने कब का गंवा चुके। पता नहीं कैसे हमें अपनी परवरिश और अपनी अपनी ही शिक्षा पर शक हो गया सुरेखा जी। पता नहीं कैसे, आपको पता है, जब हम अपनी हिम्मत जुटाकर उससे बात करने के लिए उसके पास पहुंचे, तो उसने हमसे क्या कहा? उसने कहा कि तर्पण की हुई बेटी को अपनाने की विधि और विधान अगली बार पूरी तरह से जान कर आइएगा। बस वही उम्र भर रहूंगी।
तेरी सांसें चलती।